नमस्कार, रात के 9 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जनमन, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में इतिहास रचने जा रहे हैं। महाविजय के बाद शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। 23 मार्च को बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें औपचारिक रूप से योगी आदित्यनाथ को सभी विधायक विधायक दल का नेता चुनेंगे। और उसके बाद 25 मार्च को शाम 4 बजे पीएम मोदी और विपक्ष के दिग्गजों की मौजूदगी में योगी दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। मार्च 2022 ये वो तारीख है जब बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी जीत के बाद बीजेपी गदगद है। मोदी मैजिक और योगी के करिश्मे ने कार्यकर्ताओं को होली के 10 दिन पहले ही होली मनाने का मौका दे दिया। अब महाविजय के बाद शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 1,00,000 दर्शकों की क्षमता वाला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे 70,000 से ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ सरकार की ताजपोशी के साक्षी बनेंगे। मैं मौजूद हूं इकाना स्टेडियम के अंदर, जहां पे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होना है। एक तरफ जहां पे मंच बन रहा है, दूसरी तरफ ये वो जगह है जहां पे 1,000 वीवीआईपी लोग बैठेंगे। उसके अलावा 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो स्टेडियम के चारों तरफ आप जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, वहां पे 45,000 लोग बैठेंगे। 45,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा 25,000 लोग की सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ मंच है, इस मंच पे योगी आदित्यनाथ का शपथ होगा। पीएम मोदी से मुलायम अखिलेश तक और सोनिया गांधी से लेकर मायावती जैसे वीआईपी को न्योता भेजा गया है। सीएम योगी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई मिथक भी तोड़े। दशकों तक जिस नोएडा को अपशकुन माना जाता था, योगी ने उसे यूपी का शोकेस बनाया और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट लाने के साथ यहाँ के कई दौरे कर ये भी बताया कि 21वीं सदी में अपशकुन जैसी बातें अखिलेश को शोभा नहीं देती। यूपी की सियासत में 37 साल बाद लगातार दूसरी बार किसी पार्टी ने सत्ता हासिल की है, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जारी है। बता दूं कि 45 से ज्यादा मंत्रियों का शपथ होना है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, राज्य मंत्री हैं। उसके अलावा तमाम वो तीर्थ स्थल जो अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, प्रयागराज है, वहां से पुष्प मंगाए जाएंगे। ये जो लंबा सा मंच आपको दिखाई दे रहा है, ये इस लंबे मंच पे तमाम वो गणमान्य यहाँ पे मौजूद होंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे तमाम वो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, जहां पे उनके मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग होंगे। जो विपक्ष की बात लगातार की जा रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखा है। पीएम मोदी के लिए जो हेलीपैड बनाया जा रहा है, वहां का जायजा भी हमारी टीम ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत जो भी शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता जो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनको यहां पर उतरना होगा। यहां से उतरने के बाद वो स्टेडियम में जाएंगे और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो सकेगा। बड़ी संख्या यहां पर मौजूद रहेगी, तो सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की भी तैयारियां पूरी तरीके से यहां पर कर ली गई है। योगी के मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर लगने वाली है और इस लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। वहीं कई अनुभवी मंत्रियों को रिपीट भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।